वेलकम टू दिस प्रोग्राम. आई एम प्रोफेसर सैयद तारिक मुर्तज़ा फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन, AMU अलीगढ़. आई एम ऑल्सो सर्विंग दिस डिपार्टमेंट एज द चेयरपर्सन. एंड टुडे वी हैव आवर गेस्ट आशिकुर रहमान मजूमदार साहब. आशिकुर रहमान मजूमदार साहब बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से अंडर 16 टीम के कोच बन करके आए हैं और यहाँ पर आसाम स्टेट से जो है वो BCB अंडर 16 का टूर्नामेंट था, उनका उनके उनके सीरीज़ थी. 3 मैच उनके जो हैं वो वनडे इंटरनेशनल के थे और 2 मैचेस उनके टेस्ट मैच के थे, जिसमें कि उन्होंने आसाम स्टेट को 3-0 से वनडे में हराया और 2-0 से उन्होंने जो है वो टेस्ट मैच में हराया. तो दैट वाज़ दी रियली कमेंडेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम दी बांग्लादेश क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड अंडर 16 टीम. तो आज हम लोगों के साथ जो हैं वो आशिकुर रहमान मजूमदार साहब हमारे साथ मौजूद हैं. वेलकम सर इन दिस डिपार्टमेंट. एंड आई बिलीव कि आप शायद पहली बार इस यूनिवर्सिटी में आए हैं. जी पहली बार. आप पहली बार आए हैं. ओके फाइन. एक स्टोरी है. हाँ बताएं थोड़ा सा प्लीज इसके बारे में. जब मैं क्लास 10 में पढ़ता था, मेरा जो नेबर ब्रदर है सो वो पढ़ने के लिए आया था अलीगढ़ में. अलीगढ़ पढ़ने यूनिवर्सिटी में. तो जब वापस जाया गया था is telling about the story of the Aligarh. That time I was thinking, how is the Aligarh University? How is the scenario of the Aligarh University? And after that, I closed my thought. But after 20 years, Almighty Allah sent me here to see the Aligarh University. Look, how is beautiful. You know, Majumdar, this is called मेंटल इमेजरी. या इमेजरी संकल्प से सिद्धि. संकल्प सिद्धि है ना. इन योगिक टर्मिनोलॉजी इट इज कॉल्ड संकल्प सिद्धि. मींस व्हाट एवर कम्स इन योर माइंड इट इज गोइंग टू हैपन विद योर लाइफ. है ना. एग्जैक्टली. तो देखिए ये हम लोगों के साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी हम लोगों ने एक टीचिंग हासिल करी आशिक साहब से कि हालांकि एज में बहुत यंग हैं लेकिन मेंटली ही इज़ वेरी मैच्योर्ड और बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं. और टीम में इन्होंने बताया अभी मुझे ऑफ हैंड कि टीम में जो है वो डिटेल में और ये अच्छा बताएंगे कि टीम में इन्होंने प्लेयर्स को बहुत मोटिवेट करके रखा. तो ये हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए टीचिंग लाइफ है, सबके लिए, सारे इंसानों के लिए, कि हम अपने दिमाग में जो भी बात आती है तो यूनिवर्स की सारी फोर्सेज उस काम को पूरा करने में आपके फेवर में लग जाती हैं. अब नाउ यू हैव टू डिसाइड व्हाट यू वांट. क्या आप अच्छा चाहते हो अपने जीवन में? अगर अच्छा चाहते हो तो अच्छा सोचना शुरू करो. क्या आप बुरा चाहते हो? अगर आप बुरा चाहते हो तो आप फिर बुरा सोचोगे तो बुरा आपके साथ होगा, है ना. तो ये संकल्प सिद्धि और मेंटल इमेजरी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्ट ऑफ लाइफ, है ना. और इससे जो है वो हम अपनी लाइफ को बहुत अच्छा बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं और निगेटिव भी बना सकते हैं. ओके मजूमदार साहब, आपकी वजह से जो है आज हम लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट टीचिंग हमको मिली. आप कितना वक्त यहाँ पर रहे? मतलब आपके जो टूर्नामेंट चला, वो सीरीज चली, वो कितना चली आपकी? 20 दिन, 25 दिन, 12 दिन? इट वाज 21 डेज. 21 डेज टूर. हाँ. अभी टीम चली गई आपकी वापस? टीम चली गई बट मैं रह गया. क्यों, क्या पर्पस था आपके? आप रह गए, टीम चली गई. मेरा 3 पर्पस था. One purpose to visit Aligarh University. Okay. Because my friend and brother Saeed Bhai is studying here. He's doing PhD. Yeah. And after that, I'll go to the Agra to see the Taj Mahal. Because वो भी बचपन में मैं किताब में सोचते थे about the. So that's the Sankalp Siddhi is going to be proved. Happen, na, is going to happen. And after that, I'll go to the Rajasthan Mount Abu. Okay. There will I will join. There, mind power training course. This is Brahma Kumari. Brahma Kumari. Sports wings. Dr. Jagbir Bhai is doing. Will do. Okay, fine. And I will join there. And after that, 24th, I will go back Bangladesh. To Bangladesh. अच्छा तो ये जो सीरीज के बाद आप यहाँ पर आए हैं तो but natural है कि आपने क्या अपने क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से परमिशन ली होगी इसकी. तभी आप आए हैं. जी. मैंने ईमेल भेजा एंड virtually I. Got the permission, the permissions, and Brahma Kumari Center also
sent the email to the our CEO, chief executive, and our department chairman, Khaled Mehmood Shuzan bhai, and manager too. Okay, that's it. तो हम लोग थोड़ा सा जानना चाहते हैं, इच्छुक हैं, हम लोगों को अपने को बहुत सौभाग्यशाली हम लोग समझ रहे हैं कि आप हमारे साथ मौजूद हैं, इस डिपार्टमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं और हम लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं. हम लोग थोड़ा सा जानना चाह रहे हैं कि आपका वो ओवरऑल टूर कैसा रहा. जीते तो आप है ना, वो तो आप बिल्कुल जिसको कहते हैं क्लीन स्वीप हुई है, लेकिन आप थोड़ा सा बताइए इसके बारे में कि ओवरऑल फीलिंग क्या रही, प्लेयर्स ने एंजॉय किया या नहीं किया यहाँ पर. व्हेन आई स्टार्ट फ्रॉम द बांग्लादेश आई जस्ट टुक वन थॉट इन माय माइंड दैट इज दिस एज लेवल क्रिकेट. सो एज लेवल क्रिकेट इज द फाउंडेशन ऑफ द बांग्लादेश क्रिकेट. सो इफ दे विल एंजॉय एंड दे विल बी मेंटली फ्री एंड स्ट्रेस फ्री, इफ दे विल एंजॉय द क्रिकेट दे विल परफॉर्म instant or future. So, because we are work for the future. So if I stable in present moment, then I will my future will be good. So my sankalp ye tha jo player ko main motivate karunga, kyunki you know all cricket long time ka game hai. Yahan pe momentum change hote hai har ball mein, stress aa jati hai. So players मैच खेलते थे, लाइक सपोज आज मैच, उसका मैच शुरू हो जाता है कल, बिकॉज बिफोर सो सो मेनी स्ट्रेस एंड सो मेनी थिंकिंग प्लेयर्स इंडिविजुअली. सो आई ट्राई टू मैनेज देम एंड ट्राई टू मोटिवेट बाय डिफरेंट स्टोरी एंड बिकॉज क्रिकेट गेम एंड आवर नेचुरल लाइफ इज लाइक सेम. सो मोमेंटम ये क्रिकेट क्रिएट होता है, सिचुएशन आ जाती है, सिचुएशन भी वो हैंडल कर सकते हैं. राइट, पॉजिटिव एनर्जी आता है, नेगेटिव भी आता है. सो पॉजिटिव एनर्जी लेते हैं एंड नेगेटिव के साथ डील करता है, वो कैसे कर सकते हैं, मैं जस्ट उसका साथ बातें किया प्लेयर को साथ एंड प्लेयर परफॉर्म वेल एंड आई होप दिस फ्रॉम दिस स्लॉट प्लेयर लॉट्स ऑफ प्लेयर विल प्ले Bangladesh team and they will dominate in the international cricket. You are wishing for the players only, but I myself, on behalf of the Department of Physical Education, AMU Aligarh, we all are wishing that you must become the national main coach of your Bangladesh team. तो वी विश हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं इसके लिए कि आप जो हैं वो ऐसा बने. Thank you sir, but in the moment. I am dedicated for the players because eventually player is the first and the players will win, players will lose and players the first. I do believe and I want to just work and to serve my Bangladesh cricket unselfishly that's a sign of a great person and one day you are going to be a great personality of thank cricket. Thank you sir for you wishing and I am very happy to talk with you because you are the लीजेंड ऑफ द अलीगढ़ यूनिवर्सिटी. नॉट एट ऑल, लेकिन ये कि अच्छा अब हम लोग थोड़ा सा ये जानना चाह रहे हैं कि आप अलीगढ़ आए तो आपको अलीगढ़ में यहाँ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का इन्वायरमेंट कैसा लगा आपको अलीगढ़ आकर के, थोड़ा सा हम जानना चाह रहे हैं. फैंटास्टिक बिकॉज देयर इज एवरीथिंग इज सिस्टमेटिक एंड लॉट्स ऑफ ग्रीन एरियाज एंड रोड इज एब्सोल्युटली क्लीन and people's the students behavior and teachers behavior absolutely like satyajug je byabohar jo satyajug satyajug ka jo byabohar wo mil raha hai mere paas. So wonderful because I will invite to all students all populations young generations to visit here and to learn something and if you have interest and you can study here. Okay, because it's a wonderful so university. So kind of you and we are also fortunate enough to have you here. तो थोड़ा सा हम ये और जानना चाहेंगे आपसे कि आपको historical monuments को देखने में interest है या आप बस सिर्फ मतलब सैर व तफरी के लिए आप जा रहे हैं. मीन्स आपको जैसे आप कह रहे हैं ना कि आप ताजमहल देखेंगे, आप जाहिर सी बात है जब ताजमहल देखेंगे तो उसके आसपास और भी हिस्टोरिकल कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं जिनको आप विजिट करेंगे. तो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स को हिस्टोरिकल प्लेसेस पे जाना आपको शौक है क्या या आप बस ऐसे ही जा रहे हैं मज़े करने के लिए, जस्ट टू पास योर टाइम? आई जस्ट ये मेरा हॉबी है
to okay. learn, to learn and to execute something. Mm-hmm. Because I read in book, in the kitab mein pada je Taj Mahal. So in Taj Mahal, I do believe who made this Samrat Shahjahan, his soul is living there. Mm. And he made for his wife. Mm. Her soul also living there. Living. I do believe there. Ah, that's so it. That's right. Why I want to visit, and I want to see the list. I want to read some I want to take knowledge from there. Sorry, that's it. Yeah. Okay. So do you want to ask something? Yes, sir. We will also discuss. Yes, if you want. I have some questions for you really? Because this is the first time. I'm sitting like this type of environment, like this environment okay, with good. The legend Murtuza sir. So, sir, can I? Yes, say, please, ask please, question? please. Viewers, I'm talking with Professor Syed Murtuza sir. He is a wonderful soul in this planet. He is a great motivator, and he's a good human being. Thank you, sir, to give me chance to talk. Same to you. Yeah. The first question yes. from me. In our circumstance, lots of happenings, situation happenings. Yes. Like, so, ek saath sab kuch aate hai. Like, one thing came, two things came, three things came. So, how do you handle the situation in life, general okay, life? Okay, fine. Means, आप यू आर आस्किंग कि जैसे एक से ज़्यादा प्रॉब्लम्स अगर आ गई तो उसको हम कैसे हैंडल कैसे हैंडल इज़ ए गुड क्वेश्चन. देखिए इसमें जो है ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हमारे लिए और आपके लिए है कि मतलब जिसको हम बोलते हैं ना प्रायोरिटी बेसिस जी. है ना, हमें प्रायोरिटी बेसिस पे देखना होगा कि कौन से प्रॉब्लम जो है वो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टू टैकल जी. अच्छा, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और सबसे टॉप प्रायोरिटी पर आपको उस वक्त दिखाई दे रही हो, या आप अपनी टीम के साथ बैठे हों सारे मैनेजमेंट के साथ और उन्होंने डिस्कशन के बाद ये निकला हो कि ये पहली टॉप प्रायोरिटी है, पहले वी हैव टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम. ओके, तो टेक वन बाय वन. द वेरी फर्स्ट प्रिंसिपल इज टेक ऑल द प्रॉब्लम्स, है ना, टैकल ऑल द प्रॉब्लम्स, बट वन बाय वन, एक एक करके आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो. उसमें सबसे पहले आप देखो कि टॉप मोस्ट प्रायोरिटी की क्या प्रॉब्लम है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहीं जा रहे हैं और किसी ने आपको रिवॉल्वर से आपसे कह रहे हैं जान आपको मार दूंगा नहीं तो पैसा दो. तो अब यहाँ पे आपको दो प्रॉब्लम्स हैं, अपनी जान बचानी है जी. है नहीं, और आपको पैसा बचाना है. जान बचानी. अच्छा, अब सवाल ये है कि टॉप प्रायोरिटी आप किसको दोगे? जान बचाने. जान बचाने को टॉप प्रायोरिटी हर अकलमंद आदमी कहेगा, जिसको ज़रा सा भी कॉमन सेंस होगा तो वो कहेगा कि टॉप प्रायोरिटी है जान बचाने को. तो जो जान बचाने की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले आप इसको टैकल करो. ओके, आप गिव आउट द मनी टू दैट फेलो, दैट वुड नॉट बी द इम्पॉर्टेंट इशू. है नहीं, आप बाद में भी उसको अर्न कर लोगे. तो सबसे पहला आपने वो चीज़ हल कर ली, और ये एक एक करके हल करो. है नहीं, इसी तरीके से मैचेस में भी कई सारी सिचुएशंस आपको एक साथ आ जाती हैं. तो उसमें भी मैंने आपसे कहा कि मैनेजमेंट के साथ बैठो और मैनेजमेंट के साथ बैठ के प्रायोरिटीज़ इनलिस्ट कर लो. प्रायोरिटी नंबर वन, देन टू, देन थ्री, एंड टैकल वन प्रॉब्लम एट वन टाइम. है नहीं, दो प्रॉब्लम्स को, तीन प्रॉब्लम्स को एक साथ नहीं टैकल करने की कोशिश करना. अगर आप एक साथ टैकल करोगे तो आप जो है वो यू विल फेस अटर फेल्योर, और अटर फेल्योर आपकी जो है वो लाइफ की परफॉर्मेंस भी ख़राब करेगी और मैच की परफॉर्मेंस भी ख़राब करेगी. ऐसा मेरा मानना है जी. आप फैंटास्टिक आंसर सर. सर, वन मोर क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर स्पेशलाइजेशन ऑफ एरिया? राइट, माई स्पेशलाइजेशन एरिया इज़ क्रिकेट बेसिकली. है ना, आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्रिकेट. है ना, आई यूज टू प्ले, बट आई वॉन्ट टू लर्न मैनी टेक्निकल इशूज ऑफ क्रिकेट. है नी, राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल प्लेयर्स टू द इंटरनेशनल प्लेयर्स. राइट, एंड आई हैव लर्नड अ लॉट मैनी थिंग्स. है ना, फ्रॉम ऑल द प्लेयर्स, फ्रॉम द ग्रास रूट प्लेयर्स एंड फ्रॉम द इंटरनेशनल प्लेयर्स like Sachin sir and all, and I have learned a lot. Right, thank you sir. So important in sports, what is important in sports, like biomechanics, sports psychology, or sports training? Okay, what is important? And is it for all ages? Yes, it's a very important question.
तो देखिए बायोमैकेनिक्स जो है वो हम और आप समझते हैं सब लोग कि बायोमैकेनिक्स का मतलब होता है कि आप जो है वो एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स है ना ड्यूरिंग योर स्किल परफॉर्मेंस, एप्लीकेशन ऑफ फिज़िक्स ड्यूरिंग योर स्किल परफॉर्मेंस, ये आपका बायोमैकेनिक्स होता है। साइकोलॉजी है एप्लीकेशन ऑफ योर थॉट प्रोसेस, एप्लीकेशन ऑफ योर विल पावर, एप्लीकेशन ऑफ योर डिटर्मिनेशन है नी एप्लीकेशन ऑफ योर एडेप्टिबिलिटी, दैट कम्स अंडर दी साइकोलॉजी। देन नेक्स्ट वन है द थर्ड वन इज़ दी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। देखिए इसमें इन तीनों चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो इसको मैं समझता हूँ प्रायोरिटी वाइज तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑफकोर्स स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो राइट फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू डिसाइड अबाउट एनी चाइल्ड और चिल्ड्रेन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रेन कि इनको जो है वो हमें प्लेयर बनाना है। तो उसके लिए आपको यू हैव टू गो थ्रू विद ऑल द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो द पॉइंट इज़ कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज़ द फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग और ये स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे की ट्रेनिंग से लेके रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी तक जो है वो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के प्रिंसिपल्स जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन्स को फॉलो करने होते हैं। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग जो है वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपका इशू हो गया। अब इसके बाद आता है सेकंड लेवल पर बायोमैकेनिक्स और साइकोलॉजी। देखिए बायोमैकेनिक्स आपको जो है वो अर्ली फॉर्मेटिव ईयर्स में जब अभी प्लेयर वो बन रहा है अभी मैच्योर इनफ प्लेयर नहीं हुआ है दो यू मे कंसीडर दैट प्लेयर ही और शी वट एवर में भी आप उसको अच्छा प्लेयर समझ सकते हो लेकिन अभी फुल्ली मैच्योर्ड प्लेयर नहीं हुआ है तो उसको हम कहेंगे अभी वो फॉर्मेटिव ईयर्स में है। अपने फॉर्मेटिव ईयर्स में जो है वो बायोमैकेनिक्स इज़ गुड एंड बायोमैकेनिक्स कम्स बिफोर साइकोलॉजी। लेकिन एक बार फॉर्मेटिव ईयर्स उसके पूरे हो गए एंड ही और शी बिकम्स मैच्योर प्लेयर उसके बाद जो है वो बायोमैकेनिकली आप जिस लेवल पे फिर खेलोगे तो फिर वो सारे लेवल के प्लेयर्स ऑलमोस्ट सब बायोमैकेनिकली सब एक से होंगे बराबर होंगे सब है ना। वहाँ पर जीत और हार का फैसला जो है वो सिर्फ और सिर्फ फिर साइकोलॉजी पर डिपेंड होगा। तो जब आप फॉर्मेटिव ईयर से ऊपर उठ जाते हो मैं ये नहीं कह रहा कि फॉर्मेटिव ईयर्स में साइकोलॉजी की ज़रूरत नहीं है, साइकोलॉजी की भी ज़रूरत है लेकिन साइकोलॉजी शुड कम एट द सेकंड लेवल एंड बायोमैकेनिक्स शुड बी अहेड ऑफ साइकोलॉजी। एज सून एज यू फिनिश योर फॉर्मेटिव ईयर्स एंड यू बिकम द मैच्योर प्लेयर देन उसके बाद आपको जो है वो फ़ौरन जो है वो आपकी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन आपकी जो है वो इम्पॉर्टेंट इशू जो है वो रोल प्ले करेगी और आपको जो है वो फिर साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इसके लिए मैं आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इशू एक शेयर करता हूँ। एक पोल वॉल्टर थे और जो है वो उन्होंने अगर मुझको याद सही आ रहा है तो 5 times उन्होंने ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है और सर्जी बुबका के नाम से पुराने हैं सर्जी बुबका हम लोग नेट पर सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। सर्जी बुबका सर ने ओलंपिक्स के 5 medals जीते पोल वॉल्ट में। उनको जो है वो जो बायोमैकेनिस्ट हैं वो कहते हैं कि उनकी पूरी स्किल में राइट फ्रॉम होल्डिंग दी दैट बैम्बू यानी टिल लैंडिंग ऑन द मैट है ना उनके जो है वो 11 बायोमैकेनिकल फॉल्ट्स हैं। उनमें से ये 11 बायोमैकेनिकल फॉल्ट्स इतने सीरियस हैं कि उनको चैम्पियन ओलंपिक लेवल पर नहीं उनको नेशनल लेवल पर चैम्पियन बनना जो है वो उनके लिए इम्पॉसिबल था। अदर पॉइंट इज़ कि बायोमैकेनिकली एक आदमी को इतने फॉल्ट्स हैं लेकिन वो इंटरनेशनल लेवल पर भी ओलंपिक्स में जो है वो ही इज़ मैनेजिंग टू विन ऑल द गोल्ड मेडल्स। अच्छा व्हाट अ पेसेस हाँ दैट इज़ है ना। तो अब ये क्या है क्या ये बायोमैकेनिकल एडवांटेज है या साइकोलॉजिकल एडवांटेज है? साइकोलॉजी ये साइकोलॉजिकल एडवांटेज है। इसके साथ एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट जो बहुत कम लोगों को मालूम है सरजी बुबका सर जो थे वो चूंकि सोवियत यूनियन के रहने वाले थे उस ज़माने में जिस ज़माने में वो खेलते थे तो उस ज़माने में उनकी कंट्री के अंदर बहुत पॉलिटिकल टर्मोइल था और उनकी कंट्री जो थी वो लगातार छोटी छोटी कंट्रीज़ में डिवाइड होती जा रही थी यानी कि वहाँ के लोग बम्बार्टमेंट में सिविल वॉर में इस सब में इन्वॉल्व थे। इवन देन एक तो इतने डिस्टर्बेंस के बावजूद वो इस लेवल की प्रैक्टिस करते थे। अच्छा ये डिटर्मिनेशन की बात है ये डिटर्मिनेशन की बात है कि इतनी परेशानियाँ उनके घर के मेंबर्स भी उसमें अफेक्टेड होते थे लेकिन उसके बावजूद वो
अपनी प्रैक्टिस कंटिन्यू रखते थे नंबर वन, देन वो अकेले प्लेयर हैं जो कंपटीशन से पहले, मतलब पांचों ओलंपिक्स में उनके साथ ये हुआ कि कंपटीशन से पहले वो उनका नेशनल एंथम कुछ और था और जब वो कंपटीशन जीत गए तो उसके बाद नेशनल एंथम कुछ और हो गया, क्योंकि उनका जो ज्योग्राफिकल एरिया था वो टूट के छोटी सी कोई और कंट्री बन गई और उसका अपना नेशनल एंथम हो गया। तो उनको, वो खुद कहते थे अपने बारे में कि मुझको नहीं मालूम कि मैंने कभी याद ही नहीं कर पाया कि मेरा नेशनल एंथम है क्या। तो द पॉइंट इज ऑफ ऑल दिस डिस्कशन इज़ कि बायोमैकेनिक्स, एक बार आप मैच्योर प्लेयर हो जाते हैं तो फिर बायोमैकेनिक्स आपकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है, फिर आपको जो है वो साइकोलॉजिकली स्ट्रांग होना होता है। फॉर एग्जांपल, अब मैं क्रिकेट की तरफ आ रहा हूँ, ऑफ स्टंप के हल्का सा बाहर ओवर पिच अगर आपको बॉल मिले तो दुनिया के सारे प्लेयर्स आपको फॉर्मेटिव ईयर्स में सिखाएंगे कि यू हैव टू प्ले दिस बॉल ऑन टू द ऑफ साइड, यानी स्पेशली टूवर्ड्स द कवर्स, इन बिटवीन द एरिया ऑफ कवर्स एंड मिड ऑफ, यहाँ पर आपको खेलना है इसको। लेकिन जैसे ही आप मैच्योर प्लेयर हो जाते हो तो आप देखो कि फिर हम देखते हैं विराट कोहली सर को या किसी भी इंटरनेशनल प्लेयर को देखो, तो फिर वो जो है उसके अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन वो उसी बॉल को फिर वो मिड विकेट के ऊपर से मारते हैं। द पॉइंट इज कि अब वो बायोमैकेनिक्स अब नहीं रही, बायोमैकेनिक्स ख़त्म हो गई वहाँ पर, है ना। अब साइकोलॉजिकल जो है वो ट्रेनिंग शुरू हो गई और वो साइकोलॉजिकल जो इन्फ्लुएंस है वो आपको अपोनेंट्स पे डालना होता है। तो बायोमैकेनिक्स, देखिए स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो आपकी थ्रू आउट योर लाइफ चलेगी टिल द डेथ ऑफ द प्लेयर, है ना, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग तो वो चलेगी। बायोमैकेनिक्स आपके फॉर्मेटिव ईयर्स में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग सेकेंड नंबर पर। वंस यू आर द मैच्योर्ड प्लेयर, फिर उसके बाद आपके लिए साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, देन एंड सेकेंड नंबर पे आपकी बायोमैकेनिक्स हो जाती है। ये मैं हायरार्की रखता हूँ। थैंक यू सर फॉर वैल्यूएबल मैसेज फॉर द ऑल यंग जनरेशन, ऑल एथलीट्स। आई होप वी विल ऑल लर्न फ्रॉम द सर मैसेज। एंड वन थिंग आई वांट टू से व्यूअर्स, आई डू बिलीव देयर इज नो about boundary, there is no boundary about the language. Sometimes yes. I'm telling Hindi and sometimes I'm telling English. Yeah, so I do believe the freedom of life. And thank you, sir. So wonderful message. So kind of you. Last two questions. Yes, yes. So yes. One question is how to be a good teacher and how to develop the man management skill, because different players, different environments, they are coming from the different backgrounds, different family, different mentalities. Mm. So that time needed as a coach, like management skill. Yes. How do they handle them? So, sir, please give some tips about this. Of course. देखिए, आपने जैसा कि पूछा कि मतलब human management कैसे होना चाहिए? जी. देखिए, human management का सबसे important जो principle है, उसको हम समझ लें। अगर हम उसको किसी तरीके से फुलफ़िल कर पाए, है नहीं, तो आप ये समझ लीजिए कि मोर देन 70% आपका ह्यूमन मैनेजमेंट कंप्लीट हो गया। वो क्या है? वो ये है कि हर इंसान, जो भी इंसानी बच्चा पैदा हुआ है ना, उसकी अपनी एक यूनिक इज्जत है। उसकी उस इज्जत को कभी भी ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। हर इंसान की अपनी एक इज्जत है, राइट। वो इज्जत के तहत ही वो पैदा हुआ है, वो इज्जत एक नेचुरली लेके आया है, उसके पैदा करने वाले गॉड ने उसको दी है वो इज्जत, राइट। उस इज्जत को हमको और आपको डिमीन करने की, कम करने की, उसको बेइज्जत करने की हमको और आपको किसी को भी कोई अधिकार नहीं है। अगर डिफरेंट बैकग्राउंड से प्लेयर्स आपके पास आ रहे हैं, डिफरेंट इन्वायरमेंट के लोग आ रहे हैं, डिफरेंट वोकैबुलरी के लोग आ रहे हैं, लेकिन अगर आप उनकी इज्जत को मेंटेन करेंगे तो वो पलट के आपकी इज्जत को मेंटेन करेंगे। देखिए, समाज में ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप समाज को जो देंगे, समाज पलट के आपको वही चीज़ देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं किसी को गाली बकूं जी, राइट, तो वो मुझको पलट के मेरी तारीफ करेगा या मुझे गाली बकेगा? नेचुरल है जी कि वो गाली बकेगा। गलत इंसान है तो गाली देगा। मींस मिनिमम है कि वो गाली देगा। ये भी हो सकता है कि वो मारना शुरू कर दे मुझको जी। अच्छा, अभी जो है वो दिल्ली में मैं अपने बेटे के साथ जा रहा था और मुझको ये चीज़ उसको सिखानी थी जी, अपने बच्चे को।
तो मैंने उसको किस तरीके से किस सिखाया कि एक सामने से एक लड़का आ रहा था और उसके ही वॉज हैविंग अ गुड मसल्स. तो मैंने उससे जो है वो मैंने बेटे से कहा आपने कि देखना ये कैसे बिहेव करता है. मैं उस जैसे ही वो पास में आया तो मैंने उसको नमस्ते किया और बोला नमस्ते. मैंने कहा कि यार तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी है और मुझे तुम्हारी बॉडी बहुत अच्छी लगी. तो उसकी आंखें एकदम से चमकने लगी, दिल खुश हो गया उसका, है नहीं. और उसका बोला कि हाँ कि अंकल अच्छा. उससे मैंने साथ में ये भी कहा कि तुमने जो है वो इस बॉडी के लिए बहुत मेहनत की होगी, है नहीं, और आई अप्रिशिएट योर हार्ड वर्क डिटर्मिनेशन और आपकी फैमिली का सपोर्ट. आई एम अंडरस्टैंडिंग कि कितना है इस बॉडी के पीछे. तो मतलब ही वॉज़ वेरी ग्लैड एंड ही वॉज़ वेरी हैप्पी. उसके बाद उसने खैर थैंक यू बोला और उसके बाद चला गया वो. अब उसके बाद मैंने अपने बेटे से पूछा ये बताओ कि अब मैंने इसको ऐसे बोला है राइट, तो अब ये बाहर जा कर के अपने दोस्तों में ये क्या बोलेगा, क्या ये बोलेगा कि यार एक आदमी मिला था मुझे पागल सा था यार दिमाग ख़राब था उसका, ऐसा बोलेगा मीन्स बुरे वर्ड्स में बोलेगा या वो मुझे अच्छे ही वर्ड्स में बोलेगा. तो मेरा बेटा बोला कि वो 18-20 साल का है बेटा, तो वो बोला कि अबू ये जो है वो आपको अच्छे ही वर्ड्स में पुकारेगा आपको. तो मैंने कहा बेटे जीवन में भी यही सिद्धांत चलता है, यही उसूल चलता है कि जीवन में आप समाज को जो दोगे समाज पलट के आपको वही देगा. अगर आज समाज आपको टेंशन दे रहा है, आप कहते हो ना कि वो टेंशन दे रहा है वो टेंशन दे रहा है, तो आपने टेंशन दे रखी है समाज में इसलिए समाज पलट के आपको टेंशन दे रहा है. आप उसको खुशियाँ देना शुरू कर दो समाज आपको खुशियाँ देना शुरू कर देगा. तो द पॉइंट इज़ कि ह्यूमन मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट उसूल है कि सामने जो भी प्लेयर है आपका, इवन जो भी सपोर्टिंग स्टाफ है, चाहे वो झाड़ू देने वाला हो, टॉयलेट क्लीन करने वाला हो, कोई भी हो आपका सपोर्टिंग स्टाफ है, आप उसकी एज ए इंसान आप उसकी इज्जत करना शुरू करो तो आपकी वो इज्जत करना शुरू करेगा. जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करेंगे तो ह्यूमन मैनेजमेंट तो अपने आप हो गया. इजी फार्मूला. तो ये तो है वो चीज़. इसके अलावा हाँ इस बात पे हमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना है कि जो ड्यूटी जिसकी है फास्ट बॉलर की, ये ड्यूटी है उसको क्लियर कट बता दो बिल्कुल तुम्हारी ड्यूटी ये है एंड वी एक्सपेक्ट दिस मच परफॉर्मेंस फ्रॉम योर साइड. सपोर्टिंग स्टाफ से बता दो कि तुम्हारी ड्यूटी ये है, काम ये है, इतना काम करके देना है. एज एन इंसान उसकी इज्जत करो, जितने काम में एफर्ट्स कर रहा है उसकी तारीफ करो. ह्यूमन मैनेजमेंट में तीसरा उसूल बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमेशा आप तारीफ अगर किसी की करनी है तो सबके सामने कीजिए. अगर किसी प्लेयर की आपको तारीफ करनी है तो सबके सामने कीजिए, लेकिन अगर किसी प्लेयर की आपको कमज़ोरी बतानी है, उसकी वीकनेस बतानी है या डांटना है या उसके अंदर कोई करेक्शन करना है तो कभी भी सबके सामने मत बताइए. ह्यूमिलिएटिंग फील करेगा वो. आप उसको अकेले में समझाइए जी, आप उसको अकेले में बताइए. तो तारीफ करिए तो सबके सामने करिए, और अगर उसकी वीकनेस को दूर करना, सजेशन देना है, कुछ करना है तो उसको अलग में बुला के करिए. तो इससे क्या होता है कि इससे उसकी जो सेल्फ रेस्पेक्ट है, देखिए ये वही बात है सेल्फ रेस्पेक्ट, उसकी रेस्पेक्ट करने की, आपने रेस्पेक्ट उसकी बचा के रखी सबके सामने, बेइज्जती नहीं होने दी आपने, तो वो आपको बताओ कल को इज्जत करेगा आपकी और ज़्यादा या नहीं करेगा? करेगा और ज़्यादा इज्जत. अगर आप सबके सामने उसको डांटोगे तो क्या होगा? गुस्सा दिखाएगा, इरिटेट होगा. भाई आप देखो ना, पेरेंट्स के साथ बच्चे इरिटेट हो जाते हैं. क्या मेरे दोस्त आते हैं आप मेरे दोस्तों के सामने ही कहते हैं? होता है ना, सही है ना. आप अकेले में कह लेते हैं मुझसे, मैं अकेले में भी तो रहता हूँ आपके साथ, तब तो आप नहीं कहते. बच्चे ऐसे बोलते पेरेंट्स को, बोल देते हैं. क्यों बोल रहे हैं वो? क्योंकि उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट को ठेस पहुंची है, कहीं उनको लगा कि वो देयर सेल्फ रेस्पेक्ट इज हर्टेड, है ना. तो ह्यूमन मैनेजमेंट का सबसे इम्पॉर्टेंट उसूल है कि ह्यूमन रेस्पेक्ट को मेंटेन करिए. जिसकी जो ड्यूटी है उसको वो बताइए तुम्हारी ये ड्यूटी है एंड वी आर एक्सपेक्टिंग दैट मच ड्यूटी टू बी परफॉर्म्ड बाय योर साइड. और तीसरी चीज़ जो है वो उसको अगर तारीफ करनी है सबके सामने करिए, चाहे उसने अकेले में किया है वो काम अच्छा, लेकिन सबके सामने बताइए इसने ये अच्छा काम किया. और अगर करेक्शन करना है, वीकनेस उसकी दूर करनी है, गुस्सा करना है, तो अकेले में आप उसको करिए. अगर आप मैनेजमेंट के ये तीन उसूल कर लोगे तो यू वुड बी द मोस्ट सक्सेसफुल कोच ऑफ BCB. थैंक यू सर. आई कैन रिमेंबर वन वर्ड दैट इज फ्रॉम स्टीव वॉ, ग्रेटेस्ट कैप्टन ऑफ ऑस्ट्रेलिया. ओके. इज टेलिंग ऑलवेज द प्राइस इज पब्लिकली, क्रिटिसिज्म privately. Ah, so that's it. Like you told me
before. The same formula. Same formula. And that is Swami Vivekananda says, if you inspire to all, and you will make the world. Mm. If you criticism to anyone, you will destroy the world. Oh, that's so, it. So wonderful, sir. Okay. Thank you very much. Thank you. Another question, sir, you told me in the morning about the Sochin's history. He's doing a 2.5 hour shadow. So if you share something for our generations, young generations, they will learn from each. देखिए यहाँ अलीगढ़ के अलीगढ़ शहर ये इंडिया के अंदर यहाँ अलीगढ़ के अंदर जो है वो यहाँ पर एक प्लेयर हुए हैं और अलीगढ़ ने अभी तक का बेस्ट प्लेयर जो प्रोड्यूस किया है मेरी नज़र में वो रिजवान शमशाद है. रिजवान शमशाद मेरे जो हैं वो बचपने के दोस्त हैं. तो मैं एक इंसिडेंट आपको बता रहा हूँ एक छोटा सा कि रिजवान शमशाद जो हैं वो यूपी रणजी टीम के भी कैप्टन थे, सेंट्रल जोन के भी वो कैप्टन थे, इंडिया ए भी वो खेले और ही वॉज दी प्रोलिफिक रन गेटर यानी एंड ही वॉज दी ब्रिलियंट फील्डर ऑल्सो. तो एक बार जो है वो यहाँ पर अलीगढ़ आए हुए थे तो उन्होंने फ़ोन किया कि यार मैं मिलना चाहता हूँ. तो मैं उनसे मिलने के लिए खैर गया वहाँ पर. तो मैंने उससे पूछा बातों बातों में कि यार रिजवान ये बताओ कि तुम में और सचिन सर में, सचिन सर का उस वक्त नाम पूरी दुनिया में चमक रहा था. तो मैंने कहा यार तुम में और उनमें क्या वो है, मैंने टीवी पे उनको खेलते देखा है, तुमको तो हमेशा खेलते देखा, तो मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता. तो बोला कि वो रिजवान बोला कि क्या मैं सीरियसली बता दूं तुमको क्या फ़र्क है. मैंने कहा बताओ. तो बोला कि एक हमारा मैच था मुंबई में जिमखाना स्टेडियम में, वहाँ पर हमारी सेंट्रल जोन की टीम प्रैक्टिस कर रही थी. फिर उसके बाद हम लोगों को मालूम चला करीब 2:30 बजे कि इंडियन क्रिकेट टीम भी यहाँ पर प्रैक्टिस करेगी. तो हम लोग बड़े खुश हुए, सब लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि हमारे बैट्समैन जो हैं वो इंडियन बॉलर्स को खेलेंगे, जवागल श्रीनाथ सर खेलेंगे और दूसरे लोगों को खेलेंगे, और हमारे जो बॉलर्स हैं वो सचिन सर को और दूसरे प्लेयर्स को, इंडियन प्लेयर्स को जो है वो बॉल डालेंगे. तो अच्छा एक प्रैक्टिस सेशन हमारा हो जाएगा. ओके, सब लोग आए, सब लोग मिक्स्ड हो गए, सब लोगों ने हाथ पाथ मिलाया, प्रैक्टिस शुरू हो गई सब ने. लेकिन थोड़ी देर के बाद हमने देखा कि सचिन सर उतरे, हम लोग इंतज़ार कर रहे थे कि सचिन सर व्हेन इज़ कमिंग. तो वो आए पूरा अपना गेटअप गेयर्ड अप थे, पूरा उन्होंने पैड वैड सारा सब कुछ, हेलमेट वेलमेट सब पहना हुआ था, और आकर के स्टेडियम के कोने में खड़े हो गए और खड़े होकर के उन्होंने अपनी शेडो प्रैक्टिस शुरू कर दी. अच्छा, हमारा नेट करीब 3 घंटे चला, तो 15-20 मिनट देर से आए होंगे वो, तो 2.5 घंटे लगातार सचिन सर ने प्रैक्टिस करी और एक किनारे खड़े होकर के प्रैक्टिस करी. अब हम लोगों ने जो है वो ये हम लोगों सबके मन में ये आ गया कि ये सचिन सर जो है वो अपने को बड़ा प्लेयर समझने लगे, अभी कल तक हमारे साथ खेल रहे थे और आज बड़े प्लेयर हो गए तो अभी हमारे साथ खेलना पसंद नहीं कर रहे, और ऐसा ऐसा ख्याल नेगेटिव आने लगी, हमारी नेगेटिविटी आने लगी. बहरहाल प्रैक्टिस सेशन ख़त्म हो गया. प्रैक्टिस सेशन ख़त्म होने के बाद जो है वो हम लोग यही बात कर रहे थे कि सचिन होता तो अच्छा था, आपस में हम लोग खेल लेते, लेकिन वो खैर अब हम लोग ऐसे बातें करने लगे उनके बारे में. तो इतने में रवि शास्त्री सर आए और रवि शास्त्री सर ने आकर के हमको बताया, हम लोगों ने पूछा उनसे कि सचिन अगर हमारे साथ खेल लेते तो अच्छा रहता, तो उन्होंने कहा कि वो नहीं खेल सकता था तुम्हारे साथ क्योंकि उसको इस वक्त आज के दिन उसको 103 बुखार है. 103 बुखार इंडिया ह्यूमन बॉडी के लिए 103 बुखार मायने रखता है. अच्छा, 103 बुखार में कोई आदमी जो है वो अपने बिस्तर से उठना पसंद नहीं करता है, यानी वो चाहता है कि खाना पीना जो कुछ भी हो वो उसके बिस्तर पर कर दिया जाए. राइट, 103 बुखार. अब वो अगर वो तुम्हारे साथ नेट पे खेलता, रवि शास्त्री सर ने कहा, तो हो सकता है उसको ब्लर्ड हो जाती उसकी विजन हल्की सी और बॉल उसको चोट मार देती. अच्छा, अगर उसको चोट मार देती तो अगले कुछ मैचेस के लिए इंडिया जो है वो अपना बेस्ट बैट्समैन खो देती, यानी इस वजह से उसने प्रैक्टिस नहीं करी. लेकिन तुम्हारे साथ नहीं करी, उसने अपनी पूरी प्रैक्टिस करी, उसने 2.5 घंटा शेडो प्रैक्टिस करी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 103 डिग्री बॉडी टेम्परेचर, जो कि अपने आप में मतलब स्पीकिंग वॉल्यूम्स ऑफ हिज डिटर्मिनेशन अबाउट हिज क्रिकेट पैशन, है ना. तो वो चीज़ बहुत हमारे लिए और आपके लिए इम्पॉर्टेंट थी. तो मैंने पूछा तो इसमें फ़र्क कहाँ है, तो उसने कहा कि अभी मेरा मैच लखनऊ में था जी. 2 दिन बाद रिजवान शमशाद ने मुझसे कहा कि अभी मेरा मैच लखनऊ में था. ये तो सचिन सर की उन्होंने स्टोरी बता दी जी. मैंने पूछा था ना उनसे फ़र्क क्या है तुम दोनों में, तो उन्होंने ये तो सचिन सर की स्टोरी बता दी. फिर अपनी स्टोरी पे आए तो उन्होंने कहा कि लखनऊ में 2 दिन पहले मेरा मैच था, 2 दिन बाद मेरा जो है वो अब दिल्ली में मैच है, और लखनऊ और दिल्ली के रास्ते में जो है वो अलीगढ़ पड़ता है, और मैं अलीगढ़ में बैठ के तुमसे बातें कर रहा हूँ. अभी मेरा 2 दिन बाद मैच है तो मैं जो हूँ तुमसे बैठ के बातें कर रहा हूँ. तो देखो वो 103 बुखार में भी और मुंबई के अंदर
मुंबई के अंदर उसका शहर है, उसका घर है, वो चाहता तो ऑफिशियली उसे छुट्टी मिलती 103 बुखार में, नहीं आता, लेकिन वो जाता अपने घर पे रहता। लेकिन ये उसका डिटर्मिनेशन था, मुंबई में रहते हुए 103 बुखार में भी उसने प्रैक्टिस की, हाँ बॉल के साथ नहीं की लेकिन फुल प्रैक्टिस की। मैं बिल्कुल सही हूँ, हट्टा कट्टा हूँ, रिजवान शमशाद ने कहा, लेकिन अलीगढ़ बीच में पड़ा तो मैं अलीगढ़ उतर गया। बस यही हमारे उसके बीच में फ़र्क है कि उसका डिटर्मिनेशन बहुत हाई है, इतना हाई है कि हम कम्पीट नहीं कर पाते उसके डिटर्मिनेशन को, उसकी साइकोलॉजी को, है ना। अदरवाइज स्किल वाइज हमें उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इस बात से मैं ये समझा, इस बात से, और शायद हम सबको ये समझ लेना चाहिए कि किस्मत कोई चीज़ नहीं होती। किस्मत ने उसको सचिन तेंदुलकर भगवान ऑफ क्रिकेट नहीं बनाया है जी। उसके डिटर्मिनेशन ने, उसके पैशन ने, उसके हार्ड वर्क ने उसको जो है वो भगवान ऑफ क्रिकेट बनाया है। इट्स ट्रू 100% एंड वंडरफुल मैसेज फ्रॉम द शमशेर भाई, वंडरफुल रियलाइजेशन एंड वंडरफुल डेडिकेशन फ्रॉम द सचिन, ग्रेट सचिन सर, राइट। आई सैल्यूट टू सचिन सर एंड I also can remember one journalist asked to the Tiger Woods, what is the secret of the trophy? And he said only three words, that is perfect practice and perfect practice. So perfect practice makes men perfect. And that is the first things and main things. Yes. So perfect practice we have to do all. So not only cricket, and about our life as well. As well. So we were, my realizations is before that I want to die as a good human being. Yes. So true. Thank you very much, sir. Okay. So kind of you. Wonderful, wonderful Ashikur tips Rahman from you, and I learned and I gained knowledge. Really, from we are things. We are also very fortunate and enough to have I am you. I am very lucky. That is, I never been. The big university to, for study. Ah. I just complete my graduations in private university. Okay. But I am sitting with the legend professor Mr. Murtuza sir. Yeah, and right. Very lucky and thanks to Almighty so Allah. So kind of you. And I want to give sir for your department. Ah, that's our, it. That's our 16 cricket teams. Okay, match ball. That's it. And so for when I will come. Again, okay. To the university. So this is a ball with which you played. Our team ball. Uh-huh. So playing practice, okay. And white ball. So under 16 cricket series, yeah. Hai na? Yeah. Assam, India. Yeah. Uh-huh. That's it. Bangladesh tournament. Yeah. Huh? Under 16. So this is the ball with which you played. So practice and play. Acha, practice and play. Yeah. Hai na? Of this. Yeah. So Ashiqur Rahman Majumdar. Ashiq Majumdar is gifting this ball to the Department of Physical Education, Aligarh Muslim University, Aligarh, with which his team used to practice and play matches also. Hai na? So this is the very important gift which the department is getting from the external side. And we are very delighted to have you here, Majumdar sahab. And thank we are you, really very happy. Thank you, sir. Very much. So kind and of you. Thanks a lot. There is no problem at all. That's it. Great. Good boy. Thanks. Well done.